हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है, और ख़ास होने की वजह सिर्फ इतनी सी है कि आज आपका भाई का ज़िंदगी का सबसे पहला इंटरव्यू है। ना तो आज से पहले मैंने कभी ज़िंदगी में इंटरव्यू कहीं दिया है, और ना मैंने कभी जॉब के लिए अप्लाई किया है, और ना ही मैंने कहीं जॉब की है। तो आज से पहले जितना भी मैंने काम किया है वो सारा फ्रीलांस किया है। तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला एक्सपीरियंस है किसी जगह पे इंटरव्यू देने का। तो इंटरव्यू देने का मुझे तो नहीं पता कि कैसे देते हैं, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि मुझे अपनी हालत ज़रूर सही करनी है इस इंटरव्यू से पहले। तो पहले वो सही करते हैं। तो फाइनली आपके भाई ने बाल वाल कटवा लिए, शेव बन गई आपके भाई की, और अब मुझे नहाना है और फिर इंटरव्यू की तैयारी करनी है। बहुत ज़्यादा नर्वस हुआ हूँ, और अभी नमाज भी पढ़नी है और तैयारी भी होना है। तो मिलते हैं आप लोगों से इंटरव्यू के बाद। तो जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, लेकिन जैसे जैसे मेरी कॉन्वर्जेशन चलती गई वैसे वैसे मैं कंफर्टेबल होता गया। ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल ही बात नहीं करना आता, लेकिन इंग्लिश में बात करना ये एक मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल चीज़ थी, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी किसी से इतनी बड़ी कॉन्वर्जेशन इंग्लिश में नहीं की, और इस बात में हकीकत है। तो आज मेरा जो एक्सपीरियंस था ये बहुत अच्छा रहा। और ये इंटरव्यू होने से पहले मैंने अपने दोस्तों से हेल्प ली थी, उनसे मैंने पूछा था कि भाई क्या होता है, कैसे होता है, मुझे नहीं मालूम, तो थोड़ा सा मुझे बता दो ताकि मैं प्रिपेयर रहूँ उस चीज़ के लिए। तो जो जो चीज़ें उन लोगों ने मुझे बताई वैसी वैसी चीज़ें तकरीबन हुई हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट हेल्प। और उसके अलावा यह है कि जब भी आप कोई नई चीज़ एक्सपीरियंस करते हो तो नर्वसनेस तो होती है, और अपॉर्चुनिटीज़ कम नहीं है इस दुनिया में, तो जो भी होगा वो अल्लाह की मर्ज़ी से होगा। तो रिसेंटली मैंने अपने लिए दो आर्ट बनवाए थे, एक अपनी बहन से बनवाया था और एक किसी और से। तो वो उसमें से आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहला है ये, बिलीव इन योर सेल्फ, एंड द सेकेंड वन इज़ दिस, आई लव बोथ आर्ट्स। तो इसको मैं अभी अपने रूम में लगाऊंगा। अब वो आज लगाऊंगा कल लगाऊंगा ये तो मुझे अभी नहीं पता, लेकिन मैं लगाऊंगा। तो मैच शुरू हो चुका है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का, और पहले पाकिस्तान ने टॉस जीत के बैटिंग की है, और आई होप कि आज कोई अच्छी स्ट्रेटजी और अच्छी एग्जीक्यूशन दिखाएं ये मैच में। बाकी उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो लेट्स होप कि क्या करती है वैसे। और भूख लग रही है तो लेट्स ईट। आज आपके भाई के पास खाने के लिए माई फेवरेट कीमा एंड रोटी, वो भी घर की। फ़ख्र ज़मान चाइना के प्रोडक्ट की तरह हो गया है, चलेगा तो चांद तक और नहीं चला तो शाम तक। शाबा बाबार, कुछ कर जाएंगे आज, मुझे लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला है आज। यार मैच रुक चुका है बारिश की वजह से, और इस एशिया कप में सबसे ज़्यादा जो देखे जाने वाली चीज़ है ना वो बारिश है। जब भी मैच ऑन करो थोड़े से ओवर्स होते हैं और फिर बारिश शुरू हो जाती है। घर पे मैच देख के मैं बोर हो गया था, तो मैं अपने दोस्तों के यहाँ आ गया, और यहाँ पे जो दोस्त हैं वो कुछ लेने गए हैं क्योंकि ब्रेक चल रहा है, और ब्रेक के बाद ये फिर से मैच शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान के बैट्समैन ने तो अपना पूरा काम कर दिया है, इफ्तिखार, रिजवान और बाबर भाई ने तो जितना ही किया जितना उनकी ज़रूरत थी। बाकी हाँ, बाबर आजम के अगर 30 रन होते तो सही होता, ऐसा हमारे अबीर भाई कह रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। बाबर आजम से हमें ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने नहीं करा तो कोई बात नहीं, हर बैट्समैन का अप एंड डाउन जाता है। और अब सारा जो गेम है वो सिर्फ बॉलर्स का है, और बॉलर क्या करते हैं ये तो अभी नहीं पता क्योंकि नया लाइनअप आया है। तो देखते हैं व्हाट विल हैपन। ये हमारे यहाँ बच्चा है, ये अपनी चीज़ें ले आया है मैच देखने के लिए, और दे भी नहीं रहा, और दे भी नहीं रहा है, रख के बैठ गया, मैं नहीं दूंगा, चल भाई लगा। ये मैच ऐसे देख रहा है जैसे इसके खालू ने क्रिकेट ईजाद की थी, लेकिन ऐसा है नहीं, कभी ज़िंदगी में इसने बॉल भी सही से नहीं पकड़ी अपने हाथ में, दूसरों की बॉलें पकड़ के घूमता है ये। तुम मुझे ये बताओ कि शाहिन अफरीदी पहले विकेट लेगा नहीं लेगा पहले ओवर में? दूसरे ओवर में लेगा, दूसरे ओवर में लेगा ये। खुद भी बोल के हंस रहा है। शाबा शाबा, चौका खाया, विकेट है भाई, सावर में विकेट है, ये लिख लो तुम और देखो अभी 5 बॉलें रहती हैं। शेडी, व्हाट अ थ्रो ब्रो, हमारा ईगल काम नहीं कर पा रहा है यार, क्रो बन गया ये बेचारा।
तीसरा ओवर शुरू हो गया तुम्हारे ईगल का, अभी तो विकेट नहीं आना, तो अब इसके तीसरे ओवर में आएगी ना विकेट, आने वाली है, अब तीन बॉलें रहती हैं तू देख। पाकिस्तान के आसार अच्छे नहीं लग रहे हैं बॉलिंग के। देख तू विकेट आनी शुरू होंगी, सही है, अभी विकेट आनी शुरू होंगी और एक साथ तीन विकेट गिरेंगे, देखते हैं। श्रीलंका वैसे ही बहुत डेंजरस हो गया भाई, कुछ नहीं पता ये कब क्या हो सकता है। शेडी आज ना वन मैन आर्मी हुआ हो यहाँ पे, चेक करो। बॉल भी मैं करूँगा, रनआउट भी मैं मारूंगा, आउट भी मैं ही करूँगा भाई, सब यही कर रहा है। गुड गेम शेडी। सबसे बड़ा रीज़न जो है ना पाकिस्तान परफॉर्म नहीं कर रहा वो है बाबर आजम को गालियाँ नहीं आती। मैच अभी दोनों तरफ है भाई, मैच अभी कुछ भी नहीं कर सकते, कब कहाँ जाएगा। अब भाई विकेट चाहिए वरना तो पाकिस्तान के हाथ से मैच जाता हुआ ही दिख रहा है मुझे। तो फाइनली आई एम बैक टू होम और यहाँ पे मामला इतने क्रूशल हो गए हैं कि 7 ओवर में 42 रन चाहिए जो कि बॉल के इक्विवेलेंट ही होते हैं और बहुत मुश्किल हो गया अभी जीतना। द ओनली प्लेयर परफॉर्मिंग इज इफ्तिखार अहमद। यार लव कर दिया आपने, लव। अगर ये अब भी पाकिस्तान हार जाता है ना मैं रो दूंगा, मैं बता रहा हूँ, मैंने रो देना है। भाई मेरे को धक धक हो रहा है, बहुत धक धक हो रहा है, कुछ नहीं पता क्या हो जाएगा। 14 बॉलों पे 17 रन, काफ़ी टाइम बाद जाके ऐसा मैच देखने को मिल रहा है कसम से। यस, नहीं यार अगर ये नो बॉल हुई ना तो भाई साहब गया मैच हाथ से, अगर ये नो बॉल हुई तो। यस, इट्स अ विकेट ब्रो, इट्स अ विकेट। यस शाइन भाई, तुमने 2 बॉलों पे 2 विकेट लेके ना पूरा गेम पलट दिया। आई लव यू, आई लव यू फॉर दिस। क्या गेम हुआ है यार, क्या गेम हुआ है, मज़ा आ गया देख के। हार गए वो एक अलग बात है, लेकिन क्या गेम हुआ है यार, मतलब श्रीलंका ने माइंड ब्लोइंग कर दिया ब्रो। श्रीलंका ने भाई ख़तरनाक सीन कर दी है, मतलब आखिरी बॉल तक ऐसा लग रहा था कि हम जीत रहे हैं। खैर, देर इज़ नो नीड टू ब्लेम एनीवन, गेम था जो था हो गया, जीत जाते तो अलग खुशी होती लेकिन कोई बात नहीं, हार भी चलती है। बहुत दिल से देख रहा था मैच लेकिन कोई बात, आज उनका दिन था चल गए। लेकिन हमारे लड़कों ने भी कोई हल्की परफॉर्मेंस नहीं दी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, अप टू द मार्क थी, लेकिन कुछ बॉलर्स मिसिंग थे जो एंड में आके पता चला कि ये मसला था। कुछ नहीं बचा, अब मैच ख़त्म हो गया, चलो ख़त्म करते हैं यार इस ब्लॉग को। अब दिल ना अजीब से स्टेट में आ गया। विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।